आइए देखते हैं चौथा पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z। तो 4z plus का 2z यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा, 6 है प्लस का 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4z minus 2z is equal to 2z, 6 minus 3 3, z equal to 3 upon 2। तो ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, चेक योर रिजल्ट बोला गया क्वेश्चन में, तो हम चेक इसे चेक करेंगे। तो इस वाली क्वेश्चन को दोबारा से लिख सकते हैं हम, 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z। अब 4z की वैल्यू क्या है, 3 upon 2, तो इसको मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं 3 upon 2, प्लस का 3 है, 6 प्लस 2z, z की वैल्यू क्या है 3 upon 2, तो 3 upon 2। ये रहा हमारे पास अभी पूरा जो है इक्वेशन है। अब हम यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3, और यहाँ पर 6 है ही, और 3 1 ज़ा 3, यानी क्या यहाँ पर हो जाएगी 9 वैल्यू और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी 9 वैल्यू। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं फिफ्थ पार्ट, 2x-1 इज इक्वल टू 14-x। तो 2x है माइनस का x, यहाँ के प्लस का x हो जाएगा, 14-1 है प्लस 1 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 15 एंड x वैल्यू निकालेंगे क्या जाएगा, 15/3 इज इक्वल टू 5, क्योंकि 3 5 ज़ा 15। अब हम क्या करेंगे, अपना रिजल्ट चेक करेंगे, 2x-1 इज इक्वल टू 14-x, 2 है, x के लिए क्या निकाली है हमने, 5-x इज इक्वल टू 14, माइनस x की वैल्यू क्या है 5, 2 5 ज़ा 10, माइनस 1 इज इक्वल टू 14-5 क्या हो गया 9, 10-1 क्या होता है 9 इज इक्वल टू 9, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट जगह अनदर लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 8x+4 इज इक्वल टू 3, अंडर ब्रैकेट 3x-1+7। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 8x है, इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। अरे यार मैं बीच में कन्फ्यूज़ हो गया, कटिंग था ना, तो मैं सोच रहा था लिखा गलत है, हो गया। 8x+4 इज इक्वल टू 3x-1+7। तो ये जो है ये 3x के बाहर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका जो रिलेशन है दोनों से मल्टीप्लाई का है। तो 3x-3+7, तो इसको सॉल्व कर रहे होंगे क्या आ गया हमारे पास, 3x-, और लेकिन साइन बड़ा प्लस का है तो प्लस का आएगा साइन, प्लस का 4। अब हम इस तरफ गौर कर लेते हैं, 8x+4, अब और यहाँ पर भी है 8x+4। अब ये x वाला और x वाला टर्म है एक साथ एक ही साइड आएगा, तो 8x-3x इक्वल टू 4, प्लस का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो आ जाएगा 8x-3x क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 0, x वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा 0/5, और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो इस वाली क्वेश्चन को दोबारा लिखना पड़ेगा हमें, 8x+4 इक्वल टू 3x-1+7, 8x की वैल्यू क्या थी 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 3x की वैल्यू क्या है 0, माइनस 1 प्लस का 7, 8 0 ज़ा 0, प्लस 4, 3 0 ज़ा 0, माइनस 3 प्लस 7, यहाँ जाएगा 4, यहाँ क्या जाएगा माइनस प्लस माइनस, और साइन प्लस का है तो प्लस का 4, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड्स के। और इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट समाप्त होता है।